ध्यान दे बेटा, पहला सवाल मैंने अभी पूछा, थेरी क्वेश्चन है फिनेंशियल स्टेटमेंट के। फिक्स अपने असेट्स को कैसे डिस्क्लोज करते हैं, कहाँ पे? स्केड्यूल 3 के अंदर में। तो आपने क्या लिखना है, एसेट्स को स्केड्यूल 3 के फॉर्मेट में हम लोग डिस्क्लोज करेंगे अंडर टू हेडिंग, नॉन करंट असेट, करंट असेट। नॉन करंट के कुछ एग्जांपल लिखना है, करंट के कुछ एग्जांपल लिखना है, नीचे नोट लिखना है, इन द केस ऑफ प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन्ड, देन ये जो सारी असेट हमने ऊपर दिखाई है किस पे दिखाएंगे, डिप्रिसिएबल असेट एट ओरिजिनल कॉस्ट, और प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कहाँ दिखाएंगे, अंडर बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज एंड प्रोविजन में। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा हूँ, थेरी क्वेश्चन फिनेंशियल स्टेटमेंट के। हाउ डू यू डिस्क्लोज द शेयर होल्डर्स फंड एज पर स्केड्यूल 3? बोलो बेटा, शेयर होल्डर्स फंड आप कैसे डिस्क्लोज करोगे, एनीबडी, एज पर स्केड्यूल 3? बोलो बोलो, अब आपको समझ में आया रहेगा ना कितना आसान क्वेश्चन है। दूसरा सवाल, शेयर होल्डर्स फंड्स कैसे डिस्क्लोज करेंगे, मैंने बताया भाई फॉर्मेट बना के, बोल दो ओरली, ट्राई करो कोई तो एक बच्चा। हाँ तू बता बेटा मुन्ना, बहुत बढ़िया, किसके लिए, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में? हाँ बोल, शेयर होल्डर्स फंड में। हाँ, वो ही पूछ रहे हैं शेयर होल्डर्स फंड्स कैसे डिस्क्लेस करेंगे। आप बोल रहे हो बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड, बट उसके अंदर क्या है, वही तो आंसर है, शेयर कैपिटल। हाँ रिजर्व एंड सरप्लस, और हाँ वेरी गुड, और आपको पता है, हाँ बोल, अरे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड अलॉटमेंट इज पेंडिंग, हाँ बराबर है ना, हो गया आंसर, ये तो दिया हुआ है। सो शेयर होल्डर्स फंड का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एज पर स्केड्यूल 3, बैलेंस शीट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में अंडर द हेडिंग शेयर होल्डर्स फंड्स, उसमें हम लोग क्या दिखाएंगे, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में दिखाएंगे ऑथोराइज्ड, देन इशूड सब्सक्राइब कॉल्ड अप लेस अरियर इज इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल, उसके बाद दूसरा रिजर्व एंड सरप्लस, देन तीसरा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड पेंडिंग फॉर अलॉटमेंट। ठीक है, काफी हो गया, 1 2 3 शेयर होल्डर्स फंड स्केड्यूल 3। ठीक है, इजी इजी क्वेश्चन है, एक बार देखा तो भी लाइफ टाइम याद रह जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ द लाइबिलिटीज आर डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट एज पर स्केड्यूल 3? सिर्फ कोई एक बच्चा हाथ खड़ा करके, हर बार वही एक दो बच्चे जवाब देते। आप लास्ट बेंच, आप ट्राई करो, बोलो बेटा लाइबिलिटीज कैसे डिस्क्लोज करते हैं। हाँ अंडर फक्त लाइबिलिटी विचार ले लाए बड़ा, सिर्फ लाइबिलिटी पूछा है, लाइबिलिटी कैसे डिस्क्लोज करेंगे एज पर स्केड्यूल 3, बोलो। मालूम है बस वो चीज बहुत आसान है, इसलिए बोलने में आप हिचकिचा रहे हो, बोलो बोलो लाइबिलिटीज कैसे डिस्क्लोज करेंगे। ये ऐसे, ये देखिए अभी बनाया था हमने, एक लाइबिलिटी कैसे डिस्क्लोज करेंगे, ऐसे हो गया, नॉन करंट करंट ऐसे डिस्क्लोज करेंगे ना, तो लिखो ना फिर कैसे डिस्क्लोज करेंगे, बैलेंस शीट इक्विटी एंड लाइबिलिटी अंडर द हेडिंग, बोलो बेटा नॉन करंट लाइबिलिटी करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी के लिए एक सेंटेंस लिख दोगे, लाइबिलिटी इज रिक्वायर्ड टू पे आफ्टर 1 ईयर, नॉन करंट लाइबिलिटी रिक्वायर्ड टू पे विद इन सेम ऑपरेटिंग साइकिल करंट लाइबिलिटी, 4 एग्जाम्पल नॉन करंट के, 4 एग्जाम्पल करंट के, राइट, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर इतना आसान, हाँ
आते इंस्टीट्यूट थोड़ा थोड़ा बीच में आपको पूरा पेपर, ऐसा नहीं सोचना कि पूरा पेपर एकदम भयंकर टफ रहेगा। फिर इंस्टीट्यूट की नज़र में वो गाँव खेड़े के भी बच्चे जिनके पास मॉड्यूल के अलावा और कुछ नहीं है, ना कोचिंग क्लास, नो मॉड्यूल, सेल्फ स्टडी करते, तो वो भी बच्चों के हिसाब से पेपर निकालना पड़ता है ना, तो थोड़े बहुत ऐसे भी क्वेश्चंस रहते हैं। और ये वर्कबुक के और आपके मटेरियल के ही एमटीपी वगैरह के क्वेश्चंस है, एक बार आप चाहो तो देख सकते हो घर पे। आगे बोला है, फ्रॉम विच ईयर द स्केड्यूल 3 इज अप्लीकेबल एंड फॉर विच कंपनीज, बोलो बेटा स्केड्यूल 3 कौन से साल से अप्लीकेबल है और कौन से कंपनीज के लिए, ट्राई करो। स्केड्यूल 3 कौन से साल से अप्लीकेबल है और कौन से कंपनी के लिए, कंपनी एक्ट कब आए रहे 2013, अप्लीकेबल कब से 1 अप्रैल 2014, याद रहेगा आप सबको, कंपनी एक्ट 2013, स्केड्यूल 3 अप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2014। जनरली काफ़ी बार क्या होता है, आपको अगर कोई प्रोविजन कब से अप्लीकेबल है पता नहीं है ना, तो कंपनी के केस में जो अकाउंटिंग रिलेटेड प्रोविजन है ना, वो जनरली फिनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग से अप्लीकेबल रहती, 20 से कैसे लेके आएंगे जनरली। हाँ, सो इसलिए इसका आंसर 1 अप्रैल 2014। और किसके लिए अप्लीकेबल है, फॉर ऑल कंपनी, फॉर ऑल कंपनी। उसके बाद नेक्स्ट, हाउ डू यू क्लासीफाई, सॉरी हाउ डू यू आइडेंटिफाई करंट असेट फॉर द पर्पज ऑफ स्केड्यूल 3, करंट असेट को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बेटा, बोलो। मैंने थोड़ी देर पहले इसका जवाब दिया था, अभी 20 25 30 सेकेंड पहले, करंट असेट कैसे आइडेंटिफाई करेंगे बोलो। करंट असेट मतलब ये वो असेट है, करंट असेट मतलब वो असेट है विच इज टू बी रियलाइज्ड विद इन अ ईयर और विद इन सेम ऑपरेटिंग साइकिल और विद इन सेम अकाउंटिंग ईयर, हम लोगों को असेट रियलाइज होगी किसमें, कैश में, यस और नो, बरबर है, तो हम लोग उसको करंट असेट बोल के क्लासीफाई कर देंगे। कहाँ डिस्क्लोज करेंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में अंडर द हेडिंग करंट असेट, और इट इज अ पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये भी हम लोग बोल सकते हैं अगर एडिशनल सेंटेंस देना है तो, पार्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। उसके बाद में अच्छा, करंट असेट के लिए एक और चीज बताओ, करंट असेट जनरली हम लोग क्यों रखते हैं, बिजनेस में लंबे समय के लिए यूज करने के लिए या हेल्ड फॉर बीइंग ट्रेडेड, हेल्ड फॉर बीइंग ट्रेडेड, बेस्ट एग्जांपल है इसका स्टॉक। आगे चलो, हाउ द, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसका जवाब देना, छोटू सा जवाब है, हाउ द डेबिट बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट, बोलो बेटा डेबिट बैलेंस हम लोग कैसे डिस्क्लोज करते हैं बैलेंस शीट के अंदर में, डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे देखो ना, ये कौन सा बैलेंस था, अभी आया था क्रेडिट बैलेंस, बरोबर है, अगर डेबिट बैलेंस आया रहता तो कैसे दिखाते है, हाँ कैसे दिखाते है, माइनस में, नेगेटिव में, रिजर्व सरप्लस के अंदर में, सो लिख देना, बरोबर है वही। सो डेबिट बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ दिखाएंगे, इन द हेडिंग अंडर द हेडिंग रिजर्व्स एंड सरप्लस एज नेगेटिव फिगर, दैट्स इट। एक्चुअल में ये लिखा हुआ है सेंटेंस, नेगेटिव फिगर ही दिखाएंगे, हो गया एक लाइन का आंसर। उसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, हाउ विल यू डिस्क्लोज टोटल रेवेन्यू इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर स्केड्यूल 3, बोलो ट्राई करो, आप बोलो मैडम, हाँ आप बोलो, मस्त पास ऑन करने का तरीका नहीं मालूम सच्ची में आपको, टोटल रेवेन्यू कैसे डिस्क्लोज करते हैं ऐसे, अरे लिख रहे हो ना आप लोग, फॉर्मेट बना रहे हो ना, कब से कैसे डिस्क्लोज करेंगे ऐसे, सिंपल, रेवेन्यू फ्रॉम सेल अदर इनकम, यही चीज इन्होंने बना के दी है, फॉर्मेट बेस्ड कुछ कुछ थ्योरी क्वेश्चंस है छोटे मोटे, ठीक है, तो ये आज आपने ट्राई करना है, वर्कबुक आप सभी के पास में है, थ्योरी क्वेश्चंस सभी को आ जाएंगे। और हाँ, रही बात अपना ये प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था इसके अंदर मैं देखता हूँ क्या फ्लॉ आ रहा है, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेफिनेटली 1000% मैं यहाँ पे श्योर हूँ कोई तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ छूटी है इनकी तरफ से, ठीक है,
तो वो एक बार देख लेते हैं। यस बिल्कुल सही बोला बेटा अंशुल, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम इज इक्वल टू टोटल इनकम और टोटल रेवेन्यू। थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।